Hello everyone and a very warm welcome to Shiksha. So guys, this is our session 6 of answer writing for NABARD phase 2. Abhi tak aasha karta hun ki aapne pichle 5 sessions dekh liye honge and questions bhi attempt karne ki koshish ki hogi. Questions zarur attempt karein aur unko telegram ke upar share zarur karein taki aapko ek honest review uske andar mil sake and uske andar jo baki bacche answers apne share kar sakte hain उनको भी खोल करके देखें, ठीक है? या जब मैं आंसर का रिव्यू भेज देता हूं तो रिव्यू के बाद उसके आंसर को खोल के देख लो या पहले भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. उसको देखो, एक आइडिया लो कि दूसरा बंदा कैसे लिख रहा है. और इसके अंदर अब ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कि मेरा आंसर कोई दूसरा देखेगा या पढ़ेगा, उस चक्कर में आंसर ही मत लिखो, ठीक है? तो आप यहाँ पर किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए आंसर लिखने की ना सोचें, अपने आप को इम्प्रूव करने की और अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए आंसर राइटिंग की जाती है, ना कि किसी से क्रेडिट लेने के लिए या किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है? तो आंसर्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लिखें. नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स चल रहा है जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेगा, आपके एग्रीकल्चर वाले पार्ट के लिए जो फेज़ टू में है, एंड ऑल्सो IBPS AFO या किसी और एग्रीकल्चर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर 50% ऑफ चल रहा है बाय यूजिंग द कोड HAPPY50. तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन क्विकली. क्वेश्चन था हमारा, एन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. मैंने आपको 400 वर्ड्स लिखने को बोला था इसके लिए 10 मार्क्स के लिए, ठीक है? एज आई रिमेंबर, ओके. तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 400 वर्ड्स आपको लिखने थे. और अभी भी अगर किसी ने इसका आंसर नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिख करके उसके बाद भी देख सकता है, ठीक है? वो एक बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से. तो एन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो एक तो आपको एन्यूमरेट बेसिकली एक तरह से हाईलाइट होता है और एक्सप्लेन करना है, थोड़ा बहुत आपको लाइट थ्रो करना है ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो सबसे पहले तो अगेन किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. क्वेश्चन कुछ भी हो, ये 3 पार्ट्स हमारी आंसर के अंदर होने ही चाहिए, ठीक है? किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, 15 नंबर का क्वेश्चन हो, 10 नंबर का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन ये 3 पार्ट्स होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रो पार्ट. तो मेरे इस आंसर में इंट्रो क्या आना चाहिए मेरा? तो इंट्रो के अंदर मेरा आना चाहिए कि मैं यार कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं इंट्रो के अंदर. बॉडी के अंदर मैं फैक्टर्स के बारे में मेंशन कर दूंगा जो भी है, जो एन्यूमरेट करना है या एक्सप्लेन करना है. और कंक्लूजन के अंदर मैं इस आंसर के अंदर क्या डालूंगा, कंक्लूजन के अंदर मैं सोल्यूशंस डालूंगा थोड़े से कि मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग को कैसे कम किया जा सकता है, या जो हर्डल्स फेस कर रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग के लिए इंडिया के अंदर, उसको कैसे कम किया जा सकता है. तो मैंने आंसर को लिखने से पहले, ये किसी भी आंसर को लिखने से पहले, इवन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी मैं आंसर को लिखने से पहले अपने माइंड के अंदर ये स्ट्रक्चर सेट कर लेता हूँ कि इंट्रो में मेरे को ये लिखना है, बॉडी में मेरे को ये लिखना है और कंक्लूजन में मेरे को ये लिखना है हर क्वेश्चन के लिए. इसके लिए मैं अपने आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ हर क्वेश्चन के अंदर. इससे क्या होता है ना, फिर मेरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, फिर मैं मिडवे आंसर के अंदर नहीं कन्फ्यूज होता. देखो, अगर आप मिडवे कन्फ्यूज हो गए कि अब मुझे क्या लिखना है या मैं क्या लिख रहा था या लिख रही थी, तो जब आप मिडवे कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ना, कई बार मैंने बच्चे देखे हैं वो पूरे का पूरा इरेज कर देते हैं जितना उन्होंने लिखा है कि यार ये तो बात नहीं बन रही. तो अल्टीमेटली दैट इज योर वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है? आपको वैसे ही 21 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखना है पेपर के अंदर, और उसमें भी अगर आप इस तरीके से टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? वो चैलेंज आप पूरा नहीं कर पाओगे. तो एक स्ट्रक्चर अपने माइंड के अंदर डिसाइड कर लो व्हाइल राइटिंग द आंसर एंड स्टिक टू दैट स्ट्रक्चर. उसके बाद उस स्ट्रक्चर के ऊपर स्टिक रहें. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रो पार्ट. तो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग को मैं सिंपल टर्म्स में कैसे डिफाइन करता हूँ, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर. फार्मर को कितना पैसा मिला खेती बाड़ी करने के बाद, फार्मर को कितना पैसा मिला जो उसने अपनी फसल बेची, किस रेट पे बेची, एंड द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ने 100 रुपए किलो चावल बेचा,
ठीक है, एंड मार्केट में पहुंचते पहुंचते कंज्यूमर को वो चावल 200 केजी में, 200 रुपये पर केजी मिला, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ का हो जाएगा। दैट इज जो फार्मर को पैसा मिला बेचने पर, वो मैं माइनस कर दूंगा किसमें से, जो कंज्यूमर ने पे किया उसको खरीदने के लिए, फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर। अब यहां पर मिडल मैन नहीं आएगा, हम अल्टीमेट कंज्यूमर की बात कर रहे हैं जो अपने कंजम्पशन के लिए चावल खरीद रहा है, ठीक है। नाउ अब ये जो 100 रुपये हैं, इसके अंदर क्या क्या कॉस्ट आ गई, ये जो डिफरेंस है जो फार्मर ने प्राइस रिसीव किया और जो कंज्यूमर ने पे किया उसका, ये जो 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, मिडल मैन चार्जेस आ जाएंगे, जो मिडल मैन सर्विसेज रेंडर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे प्राइसेज आ जाते हैं, स्टोरेज के प्राइसेज हो गए, पैकेजिंग के प्राइसेज हो गए, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेज हो गए, मल्टीपल प्राइसेज इसके अंदर आप लिख सकते हो फर्दर एग्जाम्पल के साथ, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स ऐसे करके लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, स्टोरेज, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। अब बहुत सी स्टडीज हुई हैं विच हैव शोन कि जो कंज्यूमर का जो मेजर एक्सपेंडिचर है, देखो 100 रुपये किलो में फार्मर ने बेचा है, उसके ऊपर 100 रुपये मतलब डबल हो गया, तो फार्म कंज्यूमर का जो मेजर इनकम जा रहा है ना, वो मिडल मैन लेकर के जा रहा है, जो बेसिकली आपके कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग का पार्ट है, ओके। अब कुछ मार्केटिंग डिसेबिलिटीज होती हैं इंडिया के अंदर, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो मार्केटिंग कॉस्ट को इंपैक्ट करती हैं, या मार्केटिंग कॉस्ट की जो हाई मार्केटिंग कॉस्ट है कंट्री के अंदर, उसके अंदर रिजल्ट करती हैं, ठीक है। तो वो मेरा बेसिकली एन्यूमरेशन हो गया एंड हाईलाइशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, वील बी सीइंग अंडर मार्केटिंग डिसेबिलिटीज। तो उसमें सबसे पहले तो आ जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मार्केट चार्जेस। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ मार्केट चार्ज क्या होता है, जो किसान है ना बेचारा हिंदुस्तान के अंदर, मिडल मैन ना उसको पूरा फंसा करके रखते हैं अभी भी, ठीक है। मंडी मंडी के अंदर भी बहुत ज्यादा जाल चलता है, कहीं आप कोई यहाँ पर पॉइंट बोल दे कि सर सरकारी मंडियों में थोड़ी ऐसा होता होगा, सरकारी मंडियों में भी होता है, और बेटा सरकारी मंडियों तक पहुंचने वाले किसान कितने हैं, जो छोटे और मिडिल स्केल के फार्मर्स हैं वो तो मंडियों तक पहुंचते ही नहीं है आज की डेट में भी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो होता है, फार्मर जो होता है, उसको बड़े सारे ना मार्केट चार्जेस उसके नाम पर लगा दिए जाते हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, वो कोई सर्विस भी नहीं दे रहे हैं उस चार्ज के लिए जो मिडल मैन लगा रहे हैं, बस वो प्राइसेज ऐड होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइस इंडिया के एग्रीकल्चर में लगता है जिसको चैरिटी या धर्मदा चार्ज बोलते हैं, ठीक है, कि भाई एक प्राइस उसके अंदर ऐड कर देते हैं, उसके बाद स्टोरेज चार्जेस हो गया। हो सकता है कि जो मिडल मैन है उसने डायरेक्टली फार्मर से उठाया और डायरेक्टली जाकर के उसने किसी मिल के अंदर बेच दिया, उसने स्टोर नहीं किया एक दिन के लिए भी, लेकिन वो फिर भी फार्मर से स्टोरेज चार्जेस कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब अल्टीमेटली ये जो चार्ज मिडल मैन ने लिया है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चार्ज मिडल मैन ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर तो ऐड अप होगा ही होगा, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए महंगा पड़ेगा। उसके बाद ट्रेड अलाउंस आ जाता है। नाउ जितनी अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं इसके अंदर जो ट्रेडर्स हैं, अगेन काफ़ी सारी डिडक्शंस करते हैं, जो अनवांटेड डिडक्शंस होती हैं, हैवी डिडक्शंस होती हैं, जैसे कि ड्राइज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, ऑल राइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। तो लेट अस कंटिन्यू। तो ट्रेड अलाउंस की हम बात कर रहे थे। अब ड्राइएज का अलाउंस हो गया कि अगर मॉइस्चर है या डर्ट है उसको रिमूव करने का, एंड अगर आप उसको बिल्कुल साफ
साफ सुथरा हीप भी दिखा रहे हो ना, क्योंकि फार्मर्स क्या है, फार्मर स्टोर करके नहीं रखते, वो आपका एक हीप क्रिएट कर देते हैं, एक ढेरा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, वो क्रिएट कर देते हैं और उसको वहाँ पर वो रख देंगे। तो अगर मॉइस्चर या डर्ट को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं भी है, तब भी वो उनसे ये अलाउंसेस कलेक्ट करेगा। अगेन एक अनफेयर प्रैक्टिस है जो कॉस्ट को इंक्रीज करती है। एडल्ट्रेशन एंड लैक ऑफ ग्रेडिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब जो फार्मर है ना, अब देखो एक लैंड में से हो सकता है कि अलग अलग क्वालिटी का प्रोड्यूस जो है वो निकल करके आए, तो हमारे यहाँ पर जो फार्मर है वो तो ग्रेडिंग करता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो सारे के सारे प्रोडक्ट को मिक्स कर देता है, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट को मिक्स कर देता है। एंड अल्टीमेटली फिर क्या होता है, क्योंकि अब उस सारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट भी होगा, तो जो ट्रेडर होगा ना, वो आएगा और वो एक सैंपल उठाएगा, जो सबसे लो क्वालिटी का सैंपल होगा वो उठाएगा, और वो उस लो क्वालिटी के सैंपल के हिसाब से पूरे के पूरे लॉट का या पूरे के पूरे प्रोड्यूस का प्राइस जो है वो सेट कर देगा। तो अल्टीमेटली उसको कम प्राइस मिलता है, फार्मर को कम प्राइस मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रेडर है फिर फर्दर उसके प्राइस इंक्रीज के अंदर काम करेगा। सो द प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड ट्रेडर्स बाय एंड लार्ज हैव नॉट येट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ ग्रेडिंग द प्रोड्यूस, विद द रिजल्ट दैट द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ सैम्पल बेसिस एंड द प्रोड्यूसर डज नॉट गेट फुल वर्थ ऑफ हिज प्रोड्यूस। उसके बाद मेथड ऑफ सेल, अब इंडिया के अंदर एक और प्रॉब्लम चलती है। वैसे तो सरकार ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी मार्केट्स में, अनरेगुलेटेड मार्केट्स में इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। इसको बोलते हैं अंडर ओवर या हाथा सिस्टम ऑफ सेल, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अंडर ओवर या हाथा सिस्टम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेडर आकर के बैठा है और यहां पर ना बहुत सारे किसान बैठे हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एक ट्रेडर के पास यहां पर एक टावल टाइप है या हैंकी टाइप है। अब वो हर एक फार्मर को बुलाएगा और इसमें बेसिकली सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपकी ये 5 उंगलियां हैं, हर उंगली के पीछे ऊपर ना एक साइन सेटअप होएगा, हर उंगली का एक साइन होगा कि भाई अगर उसने ये वाली फिंगर चूज की तो ये प्राइस बिड हुआ है, ये फिंगर चूज की तो दूसरा प्राइस है, थर्ड फिंगर चूज की तो तीसरा प्राइस है एज पर द क्वालिटी। तो अब ये इंडिविजुअली हर फार्मर को बुलाएगा और कपड़े के नीचे हाथ पकड़ करके फार्मर से उसका बिड मांगेगा कि फार्मर क्या बिड करता है, ठीक है, उसमें क्या कहेगा कि फार्मर क्या बिड करता है भाई, तो फार्मर फिंगर चूज करेगा। अब धीरे धीरे ये सारे फार्मर्स को बुला लेगा। अब जो ये अल्टीमेटली ट्रेडर है या आड़ती जिसको आप बोलते हो या मिडल मैन जिसको आप बोलते हो, इसको तो सबके प्राइस पता चल गए कि किस फार्मर ने क्या प्राइस कोट किया है, लेकिन फार्मर्स को नहीं पता कि बाकी के फार्मर्स ने क्या प्राइस कोट किया है। अल्टीमेटली ये जो लोएस्ट प्राइस होगा ना, वो बोल देगा कि हाँ जी ये लोएस्ट प्राइस की बिड आई है। अब किसानों को तो पता ही नहीं ना कि लोएस्ट प्राइस की बिड क्या आई है, क्या पता ये झूठ बोल दे। तो दिस इज ऑल्सो अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। तो वेरियस मैल प्रैक्टिस इसके अंदर हो सकती हैं, क्योंकि जो नेगोशिएटर्स हैं यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको प्राइस के बारे में नहीं पता है। ऑफिशियली सरकार इसको बंद कर चुकी है, लेकिन अभी भी इसको काफी जगहों पर फॉलो किया जाता है। वेटमेंट, बहुत सी मार्केट्स के अंदर वेट्स जो यूज किए जाते हैं वो करेक्ट नहीं होते, सुपरविजन नहीं है। इनफैक्ट सरकारी मंडियों के अंदर भी जो वेट करने वाले लोग होते हैं, जो वेट करने वाले लोगों को इंप्लॉय किया जाता है, वो भी करप्ट हो जाते हैं काफी जगहों, ठीक है, वेइंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं अल्टीमेटली ट्रेडर को बेनिफिट करने के लिए। एंड जो नॉन सरकारी मंडियां है वहां पर तो जो वेट करने वाला बंदा है वो है ही आपके आड़ती का या ट्रेडर का, तो अल्टीमेटली वेट के अंदर भी मैन्युपुलेशन करके फार्मर को कम प्राइस मिल रहा है। तो बेसिकली अब आप कहोगे कि सर ये तो सारी प्रॉब्लम हो गई कि फार्मर को कम प्राइस मिल रहा है, तो फार्मर को जो कम प्राइस मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो कम प्राइस जो मिडल मैन है, जो मिडल मैन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को सस्ते में दे रहा है? कंज्यूमर को तो उसने महंगे में ही देना है, कंज्यूमर को तो उसने महंगे में ही देना है। अब फॉर एग्जाम्पल फार्मर को उसने कहा कि यार 100 100 रुपये का तेरा प्रोड्यूस है, ठीक है, 100 रुपये का तेरा प्रोड्यूस है, मैं तेरे को 90 रुपये दूंगा, 10 रुपये मैं तेरे काट रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड चार्ज के, ठीक है, तो एक तरह से मिडल मैन ने 90 रुपये में लिया। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है वो कंज्यूमर को 10 रुपये सस्ता करके दे देगा ना, भले ही उसने कोई चार्ज नहीं किया, भले ही उसने ये 10 रुपये बेईमानी के काटे हैं, पर वो बेईमानी के पैसे उसने अपनी जेब में डालने के लिए काटे हैं, ठीक है ना। लार्ज सैंपल्स,
अब इसके अंदर अगेन ये ग्रेडिंग का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब कोई पर्टिकुलर ट्रेडर आया फार्मर के पास, कहता है यार, फार्मर कहता है कि हम आपको अपना प्रोड्यूस बेचना चाहते हैं। ट्रेडर कहेगा मेरे को सैंपल चाहिए। अब ये नहीं है कि सैंपल में वो एक मुट्ठी गेहूं उठा करके ले गया, सैंपल में ले जाएगा 50 किलो गेहूं कि मेरे को 50 किलो गेहूं चाहिए, सैंपल में 100 किलो गेहूं चाहिए अल्टीमेटली। और पेमेंट उसके लिए सैंपल है, सैंपल के लिए क्या पेमेंट करके जाएगा, बिना पेमेंट करे बड़े बड़े सैंपल उठा करके ले जाते हैं, ठीक है। डिलेड पेमेंट, ओके, प्रोड्यूसर को बहुत से केसेस में आपका पेमेंट ही नहीं मिलता, इमिजिएटली तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। और एडवांस दे देते हैं कुछ वैल्यू का, और फाइनल सेटलमेंट बहुत लंबे समय तक, 4-4 महीने 5-5 महीने तक चलता रहता है। और अगर कटाई होने से पहले, हार्वेस्ट होने से पहले अगर एडवांस दे देगा तो उसके ऊपर हैवी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, फार्मर को बेचारे को वैसे ही कुछ नहीं बचता। सुपरफ्लुअस मिडलमैन, अब चेन जो है ना प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर, यहां पर कोई एक मिडलमैन नहीं है, यहां पर मल्टीपल मिडलमैन आ गए हैं, ठीक है। अब ये मल्टीपल मिडलमैन जो है, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। और क्योंकि हर मिडलमैन अब थोड़ा थोड़ा अपना कमीशन रखेगा, तो जो प्रोड्यूसर है उसको भी कम प्राइस मिल रहा है और कंज्यूमर जो है उसको महंगा पड़ेगा, है ना। तो दोनों नुकसान है। स्टोरेज फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं है, ज्यादातर विलेजेस में अगर आप देखोगे कोई इंस्टीट्यूशनल स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फार्मर को मजबूरन अपना प्रोड्यूस जो है वो डिस्पोज ऑफ करना होता है एज सून एज पॉसिबल, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट स्टोरेज लॉस्ट एट फार्मर लेवल आर अबाउट 5% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो अगेन ये जो है मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर रिजल्ट करेगा, इंक्रीज कॉस्ट के अंदर रिजल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है रूरल एरियाज के अंदर, अभी भी उसका बड़ा बुरा हाल है अभी भी, ठीक है। एंड रेनी सीजन के समय तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। कभी अगर आप में से कोई गांव वगैरह में गया है बारिश के टाइम पर, तो और गाड़ी वाड़ी में तो आप अगर चले जाओ तो ऐसा हो जाता है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी गाड़ी कब किसी खड्डे में या सीवरेज में या रोड से उतर के खेत पे चली जाए, क्योंकि वो पूरा पानी से भर जाता है रोड। और ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ जो खुद की ऑब्जर्वेशन से देखी गई है। हरियाणा जैसे जो कहते हैं ना डेवलप्ड स्टेट्स हैं, हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट्स के अंदर भी इतना बुरा हाल हो जाता है, ठीक है, बारिशों के टाइम पर। तो आप ये लगा लो कि जो थोड़े बैकवर्ड स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पर तो गांव की सड़कों का क्या ही हाल होगा। और तो देखो, अब अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एफिशिएंट मार्केटिंग करनी है। कोल्ड स्टोरेज वैन्स हैं आपके पास, ठीक है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है, तो डिफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह की मार्केटिंग डिसेबिलिटी है। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, अब रिलायबल इंफॉर्मेशन अभी तक फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही है अबाउट द प्राइसेस। एंड बेसिकली अभी भी गांव में क्या होता है ना कि उनको बाहर से तो नहीं पता है कि सरकार ने एमएसपी, अभी हम एमएसपी का पिछला जब क्वेश्चन देखा हमने, देखा ना 2015 में रिपोर्ट आई थी कि सिर्फ 6 से 7% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का बेनिफिट हो रहा है, बाकियों को कोई पता भी नहीं है कुछ, है ना। तो विलेजर्स कैसे, आप प्राइस वगैरह कैसे सेट होता है रिपोर्ट्स के ऊपर कि हाँ भाई इस बार एक्स वाई जेड ने इतने में बेचा तो इतने की फसल हुई होगी, ठीक है। एमएसपी का कुछ मार्केट इंफॉर्मेशन उनको ढंग का नहीं है। रेगुलेटेड मार्केट्स का एब्सेंट है, ठीक है। देखो अभी तक 2000 आउट ऑफ 3400 जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं अभी तक उनको रेगुलेट नहीं किया गया है। इवन जो रेगुलेटेड मार्केट्स है ना वहाँ पर भी जो ब्रोकर्स हैं, जो मिडलमैन हैं, जो ये आड़ती हैं, इन्होंने इस तरीके से अपना गठ बनाए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे गुंडों के ग्रुप होते हैं ना, वैसे गुंडों के ग्रुप बने हुए हैं प्रॉपर। कोई अगर ये बिजनेस के अंदर हो ब्रोकर या मिडलमैन, तो ये मत समझिएगा कि मैं सबको ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। जैसे गुंडे होते हैं ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं दादा लोग होते हैं, बाहुबली लोग होते हैं, वैसे पूरे उन्होंने गठ बनाए हुए हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो वो अपनी जेब में रखते हैं, उनका कोई एनफोर्समेंट नहीं होता। एंड अल्टीमेटली देर आर अ लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस जो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हर्ट करते हैं। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट सोल्यूशन टू दिस इज कॉपरेटिव मार्केटिंग। कॉपरेटिव मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को आप हाईलाइट कर सकते हो एक तरह से सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा कंक्लूजन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइट किए हैं, इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हो। एक तो कॉपरेटिव के अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे किसान मिलके आ जाएंगे तो एक बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, छोटा किसान है, वो 100 किलो या 100 किलो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वो मार्केट में बेचने जाता है, कोई उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा, कोई उसको कोई प्राइस बोल देगा, कोई कोई बोल देगा, देना है दे नहीं तो भाग जा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे 100 किसान एक साथ जुड़ जाए,
जिनका 100-100 किलो प्रोड्यूस है, तो कितना प्रोड्यूस हो गया, 10,000 किलो हो गया, ठीक है। अब ये अपना प्रोड्यूस एज वन एंटिटी मार्केट में लेकर के जाते हैं, तो जब ये बात करेंगे ना, इनकी बात में वजन आएगा कि हाँ यार 10,000 किलो का प्रोड्यूस खरीदना है, तो कोई मिडल मैन अगर होगा या कोई बायर होगा तो वो इनको सीरियसली लेगा, ठीक है, वो इनके साथ बैठ करके आराम से बात करेगा, इनको हल्के में नहीं लिया जाएगा। बेटर प्राइस मिलता है प्रोड्यूस का, मिडल मैन को भी एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि पावर आ जाती है कि ये कम से कम मिडल मैन के साथ इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो आपके ग्रुप्स बनेंगे, जो कॉपरेटिव ग्रुप्स बनेंगे, उनकी कोशिश यही रहती है कि मिडल मैन को कम से कम रखा जाए। ओके, फाइनेंस भी देते हैं ये टाइम आने पर, तो मनी लेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। और दूसरा, जो आपका ब्रोकर है या जो मिडल मैन है, जनरली फार्मर्स क्या करते हैं, उस मिडल मैन से पैसा ले लेते हैं हार्वेस्ट से पहले एडवांस, और वो उसके लिए एक तो इंटरेस्ट बहुत हैवी चार्ज करता है, और फिर जब वो एडवांस देते हैं तो एक तरह से वो डील हो जाती है कि जब तेरा प्रोड्यूस हार्वेस्ट होगा तब इसको मैं ही खरीदूंगा, ठीक है, तो वो मनचाहे प्राइसेस उसको देता है। तो अब फार्मर को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां पर जाकर के वो पैसा भी उधार ले सकता है। ओके, एक एजुकेशनल रोल भी यहाँ पर प्ले होता है कि ये फार्मर को हेल्प करता है कि यार वो बेटर क्वालिटी ऑफ फूड्स ग्रो करे, ठीक है, प्राइस स्टेबिलाइज करने में हेल्प करता है कंज्यूमर के एंड के ऊपर भी, फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस डेवलप होती हैं। ओके, उसके अलावा ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगेन जो मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर एक हर्डल्स थे उनको इम्प्रूव करेगा। उसके अलावा जी, सरकार का भी एज एन एजेंट काम करता है, सरकार अगर कोऑपरेटिव ग्रुप्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती है कि हाँ भाई हमें जो है फूड सेफ्टी के लिए या फूड सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए प्रोक्योरमेंट करना है, जो प्राइस सपोर्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को देता है, मेंबर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है ना, बेटर फार्मिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंटर है उनको बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोग्राम को भी एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स के साथ उसको कनेक्ट करेगा ताकि उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिले। अब जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली उसका खर्चा कम हो रहा है, तो वो प्रोड्यूस को भी मार्केट में थोड़ा हल्के दाम पर लेकर के आ सकता है। फाइनली आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो दैट ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग बहुत एक सिग्निफिकेंस का है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, एंड यूजलेस रहेगा आप अगर आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, कहते हैं ना हमें फूड का आउटपुट इंक्रीज करना है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो आउटपुट इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। ओके, बेसिकली आपको फूड जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास लेकर के जाना है ऐसे प्राइस के ऊपर जहां पर प्रोड्यूसर को फेयर रेम्यूनरेशन मिल रहा है और कंज्यूमर अपनी एबिलिटी टू पे के अंदर पे कर पा रहा है, तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस लाइन के साथ मैं अपने आंसर को कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर से थोड़ा सा 400 वर्ड्स के हिसाब से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा यहां पर जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा दिए हैं, बट आप इसको अगर समराइज करोगे तो आपका एक अच्छा आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और पॉइंट्स हैं तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ये सबसे प्रेफरेबल मोड है, ठीक है, टेलीग्राम का। उसके अलावा आप वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। वो जो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना जब, तो वो देख करके दिल को खुशी बहुत मिलती है, सीधी सी बात है, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ाने का दिल करता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन कवर करना है, वैसे तो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिसिट नेशन इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिसिट नेशन टू अ मिल्क प्रोडक्ट एक्सपोर्टर। कमेंट, ठीक है, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, 600 वर्ड लिखने हैं। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।